हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह सहेल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, जैसा कि बहुचर्चित परिवर्तन रैली के बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि भाई बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं ले पाए। हाँ, इतना जरूर है कि उनकी जो टीम थी वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आए और 17 में से 13 विधायक उनके पाले में रहे और पूरा दिन ये देखने के कयास लगते रहे, ये सुनने को मिले कि भाई पार्टी अलग होगी या क्या होगा, क्योंकि जो कांग्रेस से पार्टी के बैनर के नीचे रैली नहीं हुई थी उसमें अंदाजा यही था कि कोई नई पार्टी घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हाँ, हुड्डा को नेता जरूर मान लिया है। करीब करीब 2/3 कांग्रेस के वहाँ बड़े नेता उसमें दिखाई दिए और सब ने एकजुट होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आस्था जताई। अब उन्होंने 4 दिन का टाइम और दिया है कि भाई 4 दिन के अंदर अंदर अगर परिवर्तन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्टी अलग बनाने के भी विचार हो सकता है या फिर कांग्रेस हाईकमान पर दबाव डालकर हुड्डा साहब को हरियाणा प्रदेश की बागडोर सौंपने के लिए उन्होंने अपना मन बना लिया है। तो यही बात थी दोस्तों देखने वाली, क्योंकि लोगों का यही था भाई धारा 370 का जो समर्थन हुड्डा और इसके सिपहसालारों ने किया है वो आम जनता तो इसे सही मानती है, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर इन्होंने जो धारा 370 का समर्थन किया उसको लोग बगावत मान रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब भी इस स्टैंड पर हूं कि 370 धारा के ऊपर मैं हटाने पर सहमत हूं और केंद्र सरकार के साथ हूं इस मामले में। और उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले लेने में वो किसी भी किस्म की कोताही नहीं कर सकते, और उन्होंने ये भी कहा कि अब पहले वाली कांग्रेस भी नहीं रही, क्योंकि पहले देशभक्ति की भावना कांग्रेस में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ऐसी कोई खास बात कांग्रेस में देखने को नहीं मिली। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ समर्थक जो ये मान के चले थे कि आज नई पार्टी का गठन होगा और हुड्डा साहब के नेतृत्व में देखते हैं पार्टी का नाम बैनर क्या होगा और उसका झंडा कैसा होगा, क्योंकि गुलाबी पगड़ियां वहां काफ़ी बांटी गई, तो अंदाजे ये लग रहे थे कि गुलाबी रंग ही इस नई पार्टी का होगा, लेकिन ऐसा फैसला वो नहीं ले पाए। और उन्होंने मंच से घोषणा की कि 25 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जो ये फैसला लेगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि हुड्डा साहब ने आर पार की ये बात जरूर कह दी कि या तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस को सौंप दिया जाए या फिर वो अपना अलग से हिसाब किताब बनाएंगे, अलग से पार्टी बनाएंगे या किसी से समझौता करके किसी बड़ी पार्टी में शामिल होंगे। ये उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने चुनाव की घोषणाएं भी कर दी हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में समय कम बचा है, इसलिए उन्होंने ये भी साफ तौर पर कर दिया है कि अब हम इस चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और उन्होंने कई तरह से अब ये मामले के सुलझाने के लिए कोशिशें की हैं। अब समर्थक उलझन में हैं, हालांकि वो सोच रहे हैं कि भाई कोई आर पार का फैसला ले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। और घोषणा पत्र के जरिए उन्होंने कड़े संदेश भी दे दिए हैं। हुड्डा साहब ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की लोक लुभावन जो लोगों के दिलों को छू गई। बीपीएल परिवारों को 300 यूनिट बिजली के मुफ्त रेट, और कह दिया वह बिजली के बिल आधे कर देंगे। और ग्रुप डी में जो भर्तियां हुई हैं नौजवानों की, उनमें जो ज़्यादा पढ़े लिखे युवा हैं और डी फोर में जो भर्ती हुए हैं मजबूरी में, उनको सी ग्रुप में समायोजित करने की उन्होंने हामी भरी है। और गरीब महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि 2000 रुपये घर बैठे उनको अपने घर खर्च के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार बुढ़ापा पेंशन की जो सबसे बड़ी बात है, वो हुड्डा साहब ने कहा कि उनकी अगर सत्ता आई तो 5000 रुपये महीना वृद्धावस्था सम्मान पेंशन बढ़ा दी जाएगी। और भी कई ऐसी घोषणाएं हैं
बीपीएल परिवारों के लिए है, किसानों के लिए भी कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो कांग्रेस पार्टी की लाइन से हटकर अलग से इन्होंने अपने हिसाब किताब से ही ये फैसला लिया है। तो अब देखते हैं कांग्रेस इस दबाव को कितना झेल पाएगी या इनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है इसमें छोटे मोटे स्टेट को या कुछ नहीं समझते। इसी प्रकार चौधरी बंसीलाल सरीखे नेता, भजनलाल सरीखे नेता कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिद के आगे इनकी एक नहीं चलने दी। कांग्रेस का हालांकि कई बार बिल्कुल दड़ा बन गया हरियाणा के अंदर, बंसीलाल जी जब अलग गए तो कांग्रेस हाशिए पर गई और विकास पार्टी उन्होंने बनाई थी तब कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। इसी तरह अब भजनलाल के पार्टी छोड़ने से भी कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि वो एक जाति विशेष की राजनीति के माने गए, लेकिन कांग्रेस पर ज़्यादा असर तो नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस अब दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए अब लाइन में आई थी, क्योंकि अब मौका था कांग्रेस के पास, क्योंकि इनेलो जो मजबूत संगठन हुआ करता था वो जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल के रूप में दो फाड़ हो चुका था, तो अब कांग्रेस के चांस ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और हाईकमान के इस तरह के फैसले के भाई थोपे जाने वाले फैसले के खिलाफ लोगों में एक आक्रोश था, और उन्होंने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक उनको इसी ढंग से रखा गया है, ना पार्टी अध्यक्ष बदला है, ना कहीं भी किसी किस्म का कोई पार्टी का गठन हुआ है। हाँ, गिने चुने कुछ लोग उन्होंने बना रखे हैं जो खास दबदबा रखने वाले नहीं हैं। अब अगर हुड्डा साहब की कल की रैली देखी जाए तो इसमें ये लगता है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा हिस्सा हुड्डा साहब के साथ है, और अगर इसी तरह कांग्रेस ने मनमानी की तो हुड्डा साहब की जो कांग्रेस है वो पार्टी अलग हो गई, तो फिर कांग्रेस में कोई खास दम वाली बात नहीं बचेगी और भाजपा के लिए बिल्कुल क्लियर कट रास्ता हो जाएगा। हाँ, अगर समझौता कोई ढंग से सिरे चढ़ा, जैसे जेजेपी हुड्डा साहब की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आप पार्टी मिलकर अगर सारे लड़ेंगे फिर शायद मुकाबले की बात आएगी, नहीं तो कांग्रेस अब कमज़ोर हो ही गई है। जेजेपी में इनेलो से ज़्यादा अब दबदबे के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि युवा तबका ज़्यादातर जेजेपी के साथ है। पुराने कुछ लोग हैं जो चौटाला साहब के नज़दीकी रहे हैं, वो चाहते हैं भाई जब तक चौटाला साहब हैं तब तक उनके साथ रहेंगे, और ज़्यादा पार्टी में कोई दम दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन विधानसभा का चुनाव अलग है, वो किस पार्टी को किस हलके से उतारते हैं, किस पार्टी का उम्मीदवार कहाँ से आता है, वो कैसे लड़ते हैं, क्या समीकरण बनते हैं, उस हिसाब से पार्टियों के अलग अलग अपने ये होंगे। तो उसी हिसाब से आगे जो भी जैसा भी आपको संदेश हमारे पास आएगा हम आपके दर्शकों तक आपको पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको नई नई जानकारी देंगे और इस जानकारी के जरिए आप सारी चीज़ें घर बैठे देख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले अगर ये कोई खास राजनीति में बदलाव होता है तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह भाजपा अपने दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ मरोड़ कर अब वो सारे को किसी को दबाव में, किसी को प्रलोभन देकर, किसी को टिकट का लालच देकर, किसी को कोई और पद पर जाकर अपने पूरे जोर शोर से दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है, उससे देखना होगा कि जो बेसिक वोट बैंक भाजपा का था वो ज़रूर कुछ नाराज दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब नए नए जो आदमी हैं, नए नए दूसरी पार्टियों से आकर जो दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने निश्चित तौर पर जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको पीछे धकेल दिया है, क्योंकि खुद ही कार्यकर्ता दबी जुबान में कहने लगे हैं कि अब भाजपा भी पहले वाली नहीं रही। तो ये होता है राजनीति में, प्रजातंत्र में यही तो है, जो पार्टी कमज़ोर दिखाई देती है वो पता नहीं कब उसमें जान आ जाए और लोगों का हजूम इधर से उधर होते हुए देर नहीं लगती। ये राजनीति है, किसी भी मुद्दे पर कोई कठोर निर्णय
पार्टी के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, जैसे कांग्रेस को हाशिए पर लेकर आई धारा 370 और उससे बचने के लिए जो समझदार राजनीतिक थे उन्होंने तुरंत केंद्र सरकार का समर्थन कर दिया, भले ही वो कांग्रेसी नेता क्यों ना हो। हुड्डा साहब भी इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि मेरा देशभक्त परिवार है और इस परिवार की जो नीतियां हमारी रही हैं वो देश की आज़ादी के हैं, हमारे पूर्वज फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इसलिए हम देश हित में ही फैसला लेंगे। और इसी कारण से तुरंत उन्होंने बगैर किसी देरी किए धारा 370 का समर्थन कर दिया। तो वो राजनीति में अब जिंदा रहें, क्योंकि यही एक बड़ा मुद्दा था जो कांग्रेस को डुबो सकता था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को अपने से अलग रख लिया और कांग्रेस की जो किरकिरी हुई उससे हुड्डा परिवार जरूर बच गया। तो दोस्तों, हम आगे आपको और जानकारी देते रहेंगे। अपना आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई खास सुझाव हो तो हमें अवश्य दें। धन्यवाद।